घटना हुआ है, दुखद घटना है। जानकारी हमें भी मिला है कि आपके सामने में डीएम साहब से हमने बात किया है जी। इस परिवार को आप देखते हैं, घर नहीं है रहने के लिए है जी, राशन कार्ड नहीं है, और ये कहीं ना कहीं सरकार का पदाधिकारी का लापरवाही है, कमी है जी। जिसके कारण भुखमरी के कारण इस परिवार में 5-6 लोगों का जान गया है जी। ये सरकार को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, और इस पे हमने डीएम साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस पे राशन कार्ड के लिए तो हमने ऑर्डर कर दिया, शीघ्र ही बन जाएगा या बन गया होगा, लेकिन मुआवजा के ऊपर उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी पार्टी के द्वारा हम लोग चाहेंगे कि सरकार से जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो राहत फंड मिलता है, जो किसी परिवार को डेथ होने से 4-4 लाख रुपया, वो इस परिवार को मिले, इसके लिए पार्टी के स्तर पर से लगा जाएगा। और कुछ नेता तो खाली आते हैं नेतागिरी करने के लिए जी, जी, जी। बताइए, देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का क्षेत्र है ये, चुनाव जीत के आते हैं, इनके वोट से आज देश में वो राज कर रहे हैं, लेकिन आज वो आए और भोज भात खा के चले गए जी। परिवार के लिए कुछ नहीं किए, वो तो सरकार में है, केंद्र सरकार भी उनका है और राज्य में भी सरकार उनकी है, उनको तो अभी एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद करना चाहिए ताकि इस परिवार का घर बने और आने वाला बच्चा जो भविष्य वो बेहतर चल सके। लेकिन उन्होंने तो आके सिर्फ यहाँ पे नेतागिरी करके गए और पता चला कि बगल के पंचायत में जाके भोज खाए और जय श्री राम करके गए। तो मुझे लगता है कि यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उसको समझना चाहिए, और 2024 में आएंगे तो उनसे भी सवाल करना चाहिए सारे चीजें। अभी तो सरकार में वही है, वही बेहतर जवाब देंगे, और मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि वो जब भी दोबारा आए क्षेत्र में नित्यानंद राय जी का खास करके, तो उनसे सवाल कीजिए कि भाई उनके क्षेत्र में इतना गरीब परिवार है, आज की तारीख में राशन कार्ड नहीं है, इसका जवाबदेही किसका, राज्य सरकार का या यहाँ का CEO BDO कलेक्टर किन का जवाबदेही है कि इस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। आज राशन कार्ड रहता तो राशन मिलता और इसको घर में इस तरीके से घटना नहीं होता, आज आत्महत्या नहीं करना पड़ता। अभी क्या हुआ वो एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन इस परिवार में 5-5 जान गया है, तो इसके लिए सरकार जवाबदेही है और प्रशासन यहाँ के जो भी है वो जवाबदेही है, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे, मुआवजा तो मिलना ही है, और राज्य में इस तरीके से स्थिति ना हो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना है। जो जरूरतमंद है उनको खाना पीना की व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ आज का देश का जो सरकार है वो वैक्सीन को राशन में बदल दिया है, तो इसके लिए जो जरूरतमंद है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए, और हम लोग तो जो हमसे हो सकता उतना हम लोग कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से भी मदद परिवार के साथ तो हमेशा है, ठीक है जी। और सरकारी जो लाभ है उसको हम दिला करेंगे। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।